और तो और बड़ा विचित्र आपको पता चलेगा, जो इन लोगों ने 5600 करोड़ रुपए का बकाया दिखाया है वो पूर्व की सरकार की है, इन्हीं की सरकार की थी। हमारे सरकार बनने के बाद तो हमने डीवीसी को पैसे कंटिन्यूअस देना शुरू किया था। आखिर उस समय क्यों नहीं इन लोगों ने इस तरीके का काम किया, क्यों उस समय इन लोगों ने सीधे खातों से पैसे नहीं निकाले? ये कहीं ना कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करने का है, उनको नीचा दिखाने का मंशा दिखता है। ये छोटी बात नहीं है, हमें वित्त मंत्री कहती हैं हमने पत्र लिखा है इस पर आप गौर फरमाएं। मैंने कहा गौर क्या फरमाएं, अभी आपने पत्र दिया, कल ही आपने पैसे निकाल लिए हमारे खाते से। ये तो अजीब बात है, और वो भी पता नहीं और सब राज्यों का बिजली का कितना बकाया है। मुझे तो लगता है कि सबसे कम बकाया तो झारखंड का ही होगा, और सब राज्यों का, यूपी का और बड़े बड़े शहरों का कितना बकाया होगा इसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कई राज्य हमसे बड़े कर्ज लेके या उधार बकाया लेके बैठे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार नहीं हुआ? और शुरुआत हुई तो झारखंड से ही। ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है, और इस तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है केंद्र और राज्य की जो संबंध है उसमें खटास बढ़ेगा। वो तो मैंने पहले भी कहा, जब हमने इनको राज सौंपा था उस समय हमने डीवीसी का बकाया 0-0 करके हमने दिया था। 5 साल में इन लोगों ने 1 रुपया डीवीसी को नहीं दिया, और 5 साल में इन लोगों ने इतनी बड़ी बकाये खड़े कर दिए, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मुखदर्शक बने रहे। और रघुवर दास जी ने एक ऐसा एग्रीमेंट कर दिया केंद्र सरकार और डीवीसी के साथ, जिसका आज ये नतीजा है कि राज्य सरकार के ऊपर इस तरीके से हमले हो रहे हैं, और इसका हम जवाब भी देने में सक्षम नहीं, लेकिन इसको नए तरीके से हम बात को रखेंगे, नए तरीके से चीजों को आगे ले जाया जाएगा। और अपनी अधिकार हम भीख के रूप में नहीं मांगेंगे, बल्कि अधिकार के साथ लेंगे। सर दुमका की घटना पे आपने बड़ा रोष व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, डीजीपी को भी कहा है कार्रवाई करने। देखिए घटना है, जो भी घटना होती है सभी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, जो भी गुनहगार होगा बख्शा नहीं जाएगा, सजा उसको निश्चित रूप से मिलेगी।